खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां गांव कमलासर के ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। पिछले एक साल से ग्रामीण गांव कमलासर से करनी सर के तरफ जाने वाले आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण कार्यालय के मुख्य रास्ते के आगे लेट गए और इस दौरान ग्रामीणों ने ना तो किसी को अंदर जाने दिया और ना ही किसी को अंदर से बाहर आने दिया। वहीं तहसील कार्यालय का रास्ता बंद होने के चलते यहां पर आने वाले कर्मचारी और अन्य लोगों के काम रुक गए हैं। ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, ये मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं और ये सभी ग्रामीण जो आक्रोशित हैं, ग्रामीणों का ये प्रदर्शन का तरीका तहसील कार्यालय पर नजर आया। मांग है हमारे गांव कमलासर से करनीसर के लिए जो कटान रास्ता है पिछले एक साल से क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, जाते हैं देख के आ जाते हैं, ना रास्ता कटवाते हैं ना किसी को संतुष्ट करते हैं। वैसे के आज आ गए, आज वागो निकल आएंगे, कल तहसीलदार जी गए थे, तीन जगहों से जरीब गहरी नापा जोखा हुआ, जहाँ आया बोला मेरा नाप सही नहीं है, कल हम टीम बनाएंगे आएंगे काम को, हमने बोला एक बार रुक तो जाओ, आप कोई बात तो कर लो, हमारे साथ कोई बात ही नहीं करी। मैं सोया भाई, जमीन है हमारी, मार्ग करनी सरगज का राह हानी सरकारी, ये राह जिसका रोक दिया ओम प्रकाश मोहन राम का लड़का है, ब्राह्मण जाति है, और मैं खेत जाना चाहूँ 12 महीना गया और माने मतलब कोई निर्णय नहीं मिली है। मैं आया साठ खेल बटे गेले के खातिर आईडा, आज तो 12 महीना गया, मैं से दुख पान लाग रहे हैं भी गेले की कोई सुनाई नहीं करे, तहसीलदार जी जाओ आ जाओ है डोडा बोले कूट मा कर टिप जाओ, आप बात कह के सिरकिया हुए, मैं गाँव का सामा देखते रह जाऊँ, कोई मारी निर्णय नहीं है।